everyone, once again welcome to our channel Indus Ranger and today we will discuss on the topic of practice set. इसमें मैंने आपको देखिए यहाँ पे तीन में आपको sentence improvement दिया है, तीन में मैंने आपको errors दी हैं और यहाँ पे ये जो तीन आपके दो आपकी phrases हैं, phrasal verb से related आपके fillers हैं, ठीक है? तो आपको phrasal verb भी करनी होगी क्योंकि यहाँ पे NDA, CDS और Air Force में phrasal verb भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम छोटे-छोटे practice set करेंगे जिसमें आपकी मैं phrasal verb भी तैयार करती रहूँगी। तो आपको सिर्फ answers पे नहीं जाना है, आपको बाकी के जो तीन options भी दिए हैं उनको भी पढ़ना है। Whether कि उनसे questions आ जाए तो आपको पता होना चाहिए सब phrasal verbs का means। चलिए start करते हैं अपने first sentence से जिसमें मैंने आपको तीन में sentence improvement दिया है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से घबराना नहीं है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बल्कि ईजी हो जाता है एरर से, क्योंकि इसमें आपको पता रहता है कि ऑप्शन कहाँ पे एरर है। एरर में तो यही नहीं पता है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है? इसमें आपको देखिए अंडरलाइन करके दिया हुआ है कि इन इन पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है, डन। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में आपको यहाँ पे करना है, ठीक। तो आपने क्या करना है, ये जो NI मैंने लिखा हुआ है इसको समझना है नो इम्प्रूवमेंट से। अगर आपको ऑप्शन में लग रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट है तो आप डी ऑप्शन पे करेंगे, डन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। द जिप्सीज हैड लेफ्ट इन द विलेज अ फ्यू डेज एगो, ठीक है। जिप्सीज कौन होते हैं, बंजारे होते हैं, जिनको नोमैड्स बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ नोमैड्स, बंजारे, those who have no home, ठीक है। तो the gypsies had left the village a few days ago. आपने इस सेंटेंस में एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस में ego वर्ड दिया हो, ego, ये वर्ड अगर आपको हिंदी करनी नहीं आ रही है सेंटेंस की, आपने देख लिया एगो वर्ड दिया हुआ है, इट मींस कि ये आपका पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। और पास्ट इंडेफिनेट की अगर आपको वर्ब है तो आप इसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पास्ट इंडेफिनेट की पूरे टेंस में सिर्फ एक ही वर्ब होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हैड लेफ्ट को इम्प्रूव करना था, तो यहाँ पे V2 किस में सिर्फ है, आपके लेफ्ट में। अब यहाँ पे देखिए हैव लेफ्ट दिया हुआ है, यहाँ पे जब फ्यू डेज एगो कुछ दिन पहले की बात हो रही है, इट मीन्स कि पास्ट की बात है, और हैव लेफ्ट क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, तो एगो आपका पास्ट का वर्ड होता है, तो ये तो होगा नहीं। फिर उसके बाद आ जाइए वुड हैव प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 क्यों होगा, ये तो कंडीशनल भी नहीं है, और नो इम्प्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट जो कि लीव की आपकी सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है। एगो वर्ड को याद रखना है, एगो सिर्फ आपका पास्ट इंडेफिनेट में यूज होता है जिसकी वर्ब होती है V2, ठीक है। तो लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। नाउ सेकंड सेंटेंस इज देयर इज नो रेन इन आवर विलेज फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। आपने देखा यहाँ पे लास्ट दिया हुआ है, इट मींस कि ये आपका पास्ट का जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर द लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से हमारे गांव में कोई बारिश नहीं हुई है, ठीक है। There is no rain in our village. अब यहाँ पे देखिए last दिया हुआ है, तो last अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी जो improvement मांगी है वो is में मांगी है, या तो आप have been भी कर सकते हैं या has been भी कर सकते हैं, और option में दोनों दिया हुआ है। तो बच्चों ये याद रखिए कि जब आपका present की आपकी improvement मांग रहा है तो आप नज़दीक वाला लेते हैं। अगर यहाँ पे होता there was no rain तो आप past वाला ले जाते had been, लेकिन दिया हुआ है is, it means कि past के वर्ब भी जाएगी, प्रेजेंट की तो हैज बीन हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम डिनोट किया हुआ है लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने से, तो ये भी तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जाएगा। हैड बीन भी हो सकता था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन हम लोग नजदीक वाले की एरर ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे इज दिया, इट मीन्स कि प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट की वर्ब लेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, बट फॉर हिज टाइमली एक्शन ही वुड नॉट हैव सर्वाइव। बट फॉर, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे सोचते हैं बट देखे दो तरीके से काम करता है, एक तो कंजंक्शन से काम करता है और एक आपका करता है लेकिन वाला। अब यहाँ पे देखिए बट दिया हुआ है, बट फॉर ये पूरे वर्ड का मतलब होता है विदाउट, जिसको ये पता होगा वो ही सेंटेंस इसको कर सकता है। बट फॉर में उलझा रहेगा तो बट फॉर, लेकिन उसके टाइमली एक्शन से वो सर्वाइव नहीं कर सकता, तो सेंटेंस में ही उलझ जाना है। लेकिन बट फॉर का जिसको मतलब पता होगा वो देखे कितनी जल्दी करेगा, सेंटेंस दिया हुआ है बट फॉर इज टाइमली एक्शन, विदाउट बिना अपने टाइमली एक्शन के। टाइमली एक्शन मतलब डेली के रूटीन को, अपने डेली के रूटीन के बिना ही वुड नॉट हैव सर्वाइव, वो अपना व्यापन, जीवन व्यापन नहीं कर सकता है या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट दिया हुआ है, बट फॉर मीन्स विदाउट। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बट फॉर हिज टाइमली एक्शन ही वुड नॉट हैव सर्वाइव,
पूरे सेंटेंस में कहीं पे आपको एरर लग रही है, क्योंकि यहाँ पे उसको नहीं किया होगा, ऐसे भी दिया हुआ है वुड नॉट हैव सर्वाइव, ठीक है, और बट फोर का मतलब भी विदाउट है, तो पूरा सेंटेंस ठीक जा रहा है। अगर हम बट फोर की जगह एनी, एनी और लिटिल आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, जब यहाँ पे आगे नेगेटिव दे दिया है तो इसमें पहले आप नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं, पहले वाले क्लॉज में नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आगे आपका खुद ही नेगेटिव है, आपको ये पॉजिटिव रखना है, उसको नेगेटिव रखना है, और एनी और लिटिल आपके नेगेटिव वर्ड हैं। ऑल लिटिल इसलिए नहीं रह सकते हैं कि थोड़े बहुत उसके टाइमली एक्शन से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बट फोर को आप विदाउट ले लीजिए, पूरा सेंटेंस आपका करेक्ट जाएगा और आपकी एरर बनेगी नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे ये पूरा सेंटेंस करेक्ट है, इसलिए दैट्स व्हाई हैव वी यूजिंग नो इम्प्रूवमेंट। डन, नाउ कम टू द एरर्स पॉइंट। द लेडी सेड दैट, लेडी ने कहा दैट शुड बी अवे फ्रॉम होम, दैट शुड बी, लेडी ने कहा कि शुड बी अवे फ्रॉम होम टुमारो, कल यहाँ से निकल जाना चाहिए। एज मालती इज फ्रेंड हैड कम टू विजिट मुंबई, जैसे ही मालती की फ्रेंड विजिट करने आएगी या आ चुकी होगी, क्योंकि ये आपका देखिए पूरा सेंटेंस क्या है, आपका इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, सेड दैट, आप खुद ही देखिए सेड दैट ऐसे किस में दिया रहता है, इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में, डायरेक्ट इसका कैसे रहा होता है, ऐसे रहता, द लेडी सेड कॉमा ओपन इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद शैल बी अवे फ्रॉम होम, ठीक है, ऐसे रहा होता। तो जब ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे और इनडायरेक्ट में ऐसे, तो आपको याद रहे कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनको आपको चेंज करना होता है, कैसे, जैसे टुडे का क्या हो जाता है दैट डे, ठीक है, और येस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो टुमोरो को भी तो चेंज करेंगे, टुमोरो किस में चेंज हो जाता था, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। इसमें यही एरर है कि इन्होंने यहाँ पे टुमोरो को एज इट इज रख दिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में ए बी से कहता है जो बात, बी वही किसी से ए वाली बात बोलता है, तो ये इनडायरेक्ट है, बी जो है वो ए वाली बात सी से कह रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट के क्वेश्चन में कुछ स्पेशल वर्ड्स है वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टुमोरो चेंज हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, जर्नी बाय कार, कार के द्वारा जो यात्रा की जाती है इज एज क्विक, बहुत जल्दी वाली होती है, और परहैप्स और कभी मतलब फिलहाल, परहैप्स मतलब अक्सर, क्विकर देन और क्या, जल्दी बाजी जल्दी होती है, क्विकर देन बाय ट्रेन इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर कुछ केस में क्या होता है, ट्रेन से क्विकर भी हो जाती है, ठीक है। तो आपने देखा ये दो सेंटेंस को मिक्स किया हुआ है, एक तो आपका पॉजिटिव डिग्री में भी दिया हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले कंपैरेटिव डिग्री देख लेते हैं, देन दिया हुआ है, इससे पहले ER लगा हुआ है, क्विकर देन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है, तो पॉजिटिव डिग्री का क्या रूल है, अगर आप सो एज या एज एज कर रहे हैं तो उसके बीच में आपका पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो एज के बाद क्विक दिया हुआ है, लेकिन इसके बाद एज नहीं लगाया है, तो बस यही एरर थी, एज क्विक एज दिया है। अब ये पॉजिटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव डिग्री, दो वर्ड्स को डिग्री को ले लिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको अधूरा छोड़ दिया गया था। एक एरर और हो सकती थी यहाँ पे, एज एज क्विकर और परहैप्स कर देते, एज क्विकर एज और परहैप्स, तो आपको याद रहे एज एज सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम मुंबई डैश द राजधानी एक्सप्रेस डू नॉट गो स्ट्रेट टू न्यू दिल्ली, मुंबई से जो है राजधानी एक्सप्रेस कभी भी स्ट्रेट नहीं जाती है न्यू दिल्ली को, मतलब बीच में स्टॉपेज होता है। तो यहाँ पे द राजधानी एक्सप्रेस इज अ सब्जेक्ट, मुंबई से राजधानी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब क्या दी हुई है, प्लूरल, डू नॉट हमेशा प्लूरल वर्ब होती है और डज नॉट हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। तो जब राजधानी एक्सप्रेस के लिए वर्ब यूज हुई है तो यहाँ पे यूज होगा डज नॉट, ये सिली सी एरर थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अपने फ्रेजल वर्ब पे आते हैं, चारों के मींस आपको ध्यान से पढ़ना है। सेंटेंस कह रहा है ड्यू टू पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब जो त्रासदी कोरोना वगैरह चल रहा है, ड्यू टू पेंडेमिक ये डिजीज के लिए यूज होता है वर्ड, ड्यू टू पेंडेमिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर, पेंडेमिक की वजह से क्या हो रहे हैं एग्जाम्स आज, ड्यू टू पेंडेमिक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर,
कुछ मतलब एग्जाम्स की बात हो रही है कि एग्जामिनेशन जो है आजकल के वो कुछ हो जा रहे हैं, या तो पोस्टपोन हो जा रहे हैं, लेट हो जा रहे हैं, या जल्दी हो जा रहे हैं, या कहीं से होके गुजर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सेंटेंस में कहा गया है। अब आपको पहचानना है सेंटेंसेस की फ्रेजल वर्ब को। सबसे पहले दिया हुआ है रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब होता है जल्दी से पढ़ लेना, यानी कि जल्दी हो जा रहे हैं, पेंडेमिक की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जल्दी हो जा रहे हैं। रन अराउंड, इसका रन अराउंड का मतलब हो रहा है कि उसी में रन अराउंड मतलब उसी में हो जा रहा है जब पेंडेमिक हो रहा है। रन आउट मतलब हो रहा है कि आपका ये वो जैसे बोलते हैं ना कि शॉर्टेज हो जा रही है रन आउट की, जैसे कोई भी आपका पेंडेमिक की वजह से एग्जाम्स हो रहे हैं तो उनकी शॉर्टेज नहीं होती है, तो रन आउट मतलब शॉर्टेज, और रन बिहाइंड मतलब होता है कि लेट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ रन बिहाइंड मतलब होता है लेट होना। तो आप खुद ही देखिए सेंटेंस में सबसे सेट कौन सा बैठ रहा है, पेंडेमिक की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेट हो जा रहे हैं, पोस्टपोन हो जा रहे हैं, तो राइट आंसर आपका होगा रन बिहाइंड, क्योंकि पेंडेमिक हो रहा है तो लॉकडाउन लग जा रहा है, लॉकडाउन हो जा रहा है तो वो क्या हो जा रहे हैं, पोस्टपोन हो जा रहे हैं, तो लेट हो जा रहे हैं, राइट आंसर इज रन बिहाइंड, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑन डैश द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी द ऑडिटर्स हैव फाउंड सीरियस मिस्टेक्स। जो ऑडिटर्स हैं कंपनी के, उन्होंने सीरियस मिस्टेक्स पाई, बहुत गंभीर मिस्टेक पाई जब उन्होंने क्या किया, बैलेंस शीट को देखा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पहला दिया हुआ है गो ओवर। गो ओवर मतलब होता है वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, ठीक है। गो ऑन मतलब होता है उसमें, गो ऑन मतलब होता है कि जैसे आप कोई भी कुछ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, गो ऑन मतलब उसी में चले जाते हैं ऊपरा ऊपरी, ठीक है। तो टू एग्जामिन हो जाएगा इसका। गो थ्रू मतलब होता है कहीं से होकर के गुजरना, मतलब जब आप इसको कर रहे हैं बैलेंस शीट को देख रहे हैं तो वो गो थ्रू कर रहे हैं, मतलब ऊपरा ऊपरी देख रहे हैं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा है। गो अप मतलब होता है गो अप मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है। तो उसको बैलेंस शीट को डिक्रीज कर रहे हैं तो ये होगा नहीं। आपका सबसे राइट आंसर जा रहा है गो ओवर, मतलब वेरी केयरफुली। ऑन वेरी केयरफुली द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी मतलब बहुत ही ध्यान से जब ऑडिटर्स ने कंपनी की बैलेंस शीट को देखा तो उन्होंने बहुत ही गंभीर मिस्टेक्स पाई, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गो ओवर, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया जिसमें मैंने आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एरर्स और फ्रेजल वर्ब कराई। आप भी अपना कॉपी कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसमें एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करिए, ठीक है। उनके चार ऑप्शंस को भी पढ़िए, ये नहीं है कि जो राइट आंसर है उसको पढ़ करके सिर्फ उसका राइट आंसर और आगे बढ़े, इससे आपकी वोकैब भी नहीं बढ़ेगी, इससे आपके एरर्स भी नहीं बढ़े। तो चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से करना है ताकि आपका दिमाग खुले, ये क्यों नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके जैसे आपने फ्रेजल वर्ब में देखा मैंने चारों के ऑप्शन बताए, तो ये आपके नेक्स्ट सेंटेंस में भी काम आ सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।